everyone, welcome back to my channel. Here I'm with another video, and in this video I'm going to share with you the another party makeup look, and I hope you will like it. So chalo, let's get started. सो पहले मैं कलर एसेंस की एक पैलेट से ब्राउन कलर के शेड को लेके अपने आईब्रो को फिल इन करूँगी. एंड मैं यहाँ पे एक एंगल ब्रश की यूज़ कर रही हूँ, एंड इसके बाद एक स्पूली की मदद से मैं अपने आईब्रो को फिक्स कर लूँगी. नेक्स्ट मैं मेबलिन फिट मी कंसीलर से मैं अपने आईब्रो एजेस को क्लीन करूँगी, एंड उसके साथ साथ एज ए आई शेडो बेस आई लिड पर अप्लाई कर लूँगी. देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी. एंड इसके बाद मैं लूज़ पाउडर की मदद से अपनी कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी. और मैं यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इसके बाद मैं एक ब्लैक कलर की आई शेडो लेके अपनी आउटर वी एंड उसके साथ साथ क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी, एंड उससे अच्छे से ब्लेंड करूँगी. देन मैं दिस चेरी रेड कलर को पिक करके अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी. सो नेक्स्ट मैं एक ब्यूटीफुल सिल्वर कलर को लेके अपने सेंटर आईलिड पे अप्लाई करूँगी, एंड सभी कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी. बाकी का आई मेकअप मैं बाद में करूँगी. सो पहले मैं फेस पे लगाऊंगी प्राइमर, एंड मैं यहाँ पे कलर एसेंस के प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. एंड फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, जिसका सेड है 230, जो कि मेरी स्किन टोन से लाइटर है, लेकिन ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड मैं यहाँ पे सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी. सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मेबलिन फिट मी कंसीलर, एंड इसका शेड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सारे जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मेरी फेस की हाई पॉइंट्स के साथ साथ जिस जगह पर भी मेरी स्किन टोन अनइवन है उस जगह पर मैं कंसीलर को अप्लाई करूँगी, एंड सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एंड इसके बाद लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से मैं अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करूँगी. तो आज मैं अपने फेस को ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं करूँगी, सो इसीलिए मैं थोड़ी सी ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ. एंड ब्लशर के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का एक पीची कम पिंक ब्लशर. नेक्स्ट मैं अपनी नोज़ को लिटिल बिट कंट्रोल करूँगी, एंड मैं यहाँ पे मी नाउ की कंसीलर कम कंट्रोलिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ नोज़ को कंट्रोल करने के लिए. फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इन कलर की एक छोटू सा हाईलाइटर पैलेट. दिखने में ये बहुत ही छोटू एंड क्यूट है, लेकिन इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड है. एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे खरीद सकते हो, ये बहुत अफोर्डेबल भी है. एंड फेस के साथ साथ मैं अपनी ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ. इसके बाद मैं अपनी बाकी का आई मेकअप फिनिश करूंगी. मैं यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ. एंड इसके बाद मैं एक ब्लैक एंड ब्राउन शेड को मिक्स करके अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी. एंड मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की वाटरप्रूफ मस्कारा, और मैं इससे अपनी आईलैशेस को अच्छे से कोट करूँगी. एंड इसके बाद मैं अपनी लिप लाइन को ड्रॉ करूँगी, एंड लिप लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मी नाउ की मैट लिप लाइनर. एंड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेस मार्केट की एक लिक्विड लिपस्टिक, जिसका शेड है टोमेटो रेड. सो ये रहा मेरा फिनिशिंग लुक, आई होप आपको अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ताकि मैं आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ. तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर. टिल देन टाटा.